अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 1 जनवरी 2023, साल का पहला दिन है और पहला संडे है साल का। और साल के पहले संडे ही मेरी छुट्टी नहीं है। मैं जा रहा हूँ जी कॉल पे, आज मेरी कॉल है प्राइवेट वार्ड में और अभी ऑलमोस्ट 8:45 है, तो 9 तक वहाँ पहुँचते हैं। देखते हैं क्या काम वगैरह है वार्ड में, वहीं बैठ के ब्लॉग एडिट कर लूँगा क्योंकि संडे को कुछ खास काम होते नहीं है नॉर्मली। और आज देखें यार, रोड्स कैसे खाली हैं, कमाल ही हो गया भाई। ये ऐसी रोड तो हमें कभी सुबह जाते हुए मिली नहीं है। ज़रा देखें कैसे खामोशी और सन्नाटा है इस ओपीडी कॉम्प्लेक्स के सामने। तो जी फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए, वार्ड चलते हैं और देखते हैं क्या क्या काम तैयार है हमारे लिए। तो जी ये है प्राइवेट वार्ड और इस वार्ड की खास बात ये है कि हाउस ऑफिसर इज सपोज टू डू कॉल हेयर बट देर इज़ नो प्लेस टू सिट फॉर हिम। इसलिए मैं बैठा हूँ पेशेंट्स के वेटिंग रूम में जहाँ पे ये कुछ चल रहा है। क्योंकि आज संडे है इसलिए पूरे हॉस्पिटल में सफाइयाँ चल रही हैं और मैंने आज अपनी लाइफ में पहली बार इस ईआर को ऐसे खाली धुलता हुआ देखा। हॉस्पिटल में तो जी टोटल छुट्टी का माहौल है और अब देखें यार, ईआर सफाई हो रही है और कोई पेशेंट नहीं है ईआर में। कैसा वीआईपी हॉस्पिटल है हमारा। चलो कोई नहीं, सबको एंजॉय करने का हक है। आराम से सुकून से सफाइयाँ चल रही हैं। पीजीज जहाँ पे खड़े थे मैं गया भी हूँ तो ये वहीं पे खड़े थे, गप मार रहे थे, और मैं वापस भी जा रहा हूँ हॉस्टल तो ये वहीं पे। स्टाफ ने भी कहा आप जाएं यार, यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के। कर तो रहा था मैं ब्लॉग ही एडिट कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो हॉस्टल चला जाता हूँ, कुछ नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ और बाकी ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ रात कल वाला। चेक करते हैं कुछ बॉयज उठे हुए हैं या नहीं। माना के हम यार नहीं, लोते के प्यार नहीं। तो जी ये है हमारा मेस और ये है यहाँ का संडे का सबसे फेमस नाश्ता। तो आप आ गए, पिंकी है ना सब तू चला ही रहा ये व्लॉग में 20 कर ले ये हैं उसामा बिन साजिद अल बहरेनी, जो सिर्फ आपको उन दिनों मिलेंगे जिन दिनों में आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, अदरवाइज इनका मिलना मुश्किल है। इनके साथ और बाकी हॉस्टल के बॉयज के साथ गपशप की, नाश्ता एंजॉय किया और फिर आगे। तो जी नाश्ता कर लिया, ऊपर जाते हैं हॉस्टल दोबारा। 11 बज चुके हैं इस टाइम और कुछ थोड़ा सा ही टाइम रह गया क्योंकि संडे की कॉल हमने डिवाइड की, तो थोड़ा सा ही अब कॉल का टाइम रह गया वो पूरा करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा क्या प्लान है और क्या करना चाहते हैं। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, टाइगर घर तू क्या कर रहा है? मैं देख रहा हूँ कैम्ब्रिज डॉग चोरी लीज मेडिकल काउंसिल। अरे कहना क्या चाहते हो? आयरलैंड मेडिकल काउंसिल के बारे में सर्च कर रहा हूँ। क्या ये यार के भाई तो आए काम है जल्दी से आ रहा हूँ। ये इश्क लुटेदा है यार के भाई तो जल्दी। हाफिज को क्या कहते हैं? सारी हाफिज के साथ हाफिज की भी कॉल है। संडे की कॉल है जी और जो जिन जिन एच ओ की संडे की कॉल है उनसे मुलाकात होने वाली है अभी।
सब न्यू ओटी माशाल्लाह सीखना लगा गिला गिला है उसको गिला है उसको गिला है कोई गिला नहीं है यार कोई गिला नहीं है बस हम ही रह गए थे मड़े थे हम जो नहीं मिला नहीं 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 एग्जैक्ट में अल्लाह का शुक्र है सना किधर कॉल है मेल में नहीं नहीं ओवर बैट्समैन संडे की क्यों रख लिया संडे की संडे को हम जाते हैं तुम एचओ हो ना तुम्हें थंब लगाना पड़ता है ये देख गुड यार चले एक काम आया चार घंटे में वो करते हैं और फिर निकलते हैं संडे कॉलर्स पहुंच गए जी चाय खाना नाश्ता करने और पीछे पीछे राउंड हो रहे हैं प्लेन मोड पे लगा दीजिए क्या जो शायद की आए मतलब पौधे के साथ बनाना ब्रेड 2 seconds later शौक है ना अपने शौक पूरे करते हैं शौक होते हैं डेली बहुत समय भी खाया कर ये साल में मैच के तुमने कभी ब्रेड और फ्रेंड टॉस देखे चकले हैं ब्रेड भाई मैं घर होता मैं घर जब भी होता हूँ तो मैं आता यही हूँ घर में कभी प्रैक्टिस करते और ये जो मुझे अच्छा लगता है जो मुझे अच्छा लगता है वो खाता है तो खाता हूँ मेरे सारे अब हो ना इंसान के बच्चे उतना ना खाते एक और खा गए इसके साथ एक और मैंने बनाना ब्रेड का छोड़ना आप बता नूरपुर फौजी है अच्छा टू पे लाइव किचन देखना नहीं नहीं देखना नहीं 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 अभी पहले हम व्यू देखेंगे वाला फिर जाएंगे तो फिर के बाद ठंडा होगा घंटा इंतजार कर लिए 5 मिनट अच्छा तो लाइब्रेरी देखने में आ तो गया लेकिन मुझे लाइब्रेरी कहीं नज़र नहीं आई वो बाद में पता चला कि ये जो 4 किताबें पढ़ी हैं एक शेल्फ पे ये एक्चुअली लाइब्रेरी है हाँ जी नाश्ता कर लिया पेट भर लिया बड़ा अच्छा नाश्ता था मज़ा आया अब जा रहे हैं डिसाइड होगा अब गाड़ी में कि कहाँ जा रहे हैं अभी होगा आइसक्रीम 14 वाली व्यू रोड पे जाया जाएगा आइसक्रीम 14 ऐसे यार मेहरबानी करो यार क्या हो गया वेट कर रहे हैं 5 मिनट और कर ले शाम को चले जाएंगे 5 मिनट कर लेगा ना जानू 5 मिनट कर लेगा क्या हो गया कर लेगा 5 मिनट और वेट कर लेगा हाउस जॉब है क्या हो गया 2 घंटे हो गए जाने ना कर ऐसे नहीं होगा आसमाना जी बस 5 मिनट का रास्ता है प्यारा सा रास्ता है प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए तो यार देख हम जा ही रहे हैं ना प्रोफेशनल एटीट्यूड प्रोफेशनल होता तो निकलता ही ना वहाँ से प्रोफेशनल अगर तू होता ना तो वार्ड से ही नहीं निकलता ठीक है ना निकल प्रोफेशनल के भाषण अब तुझे अब ये रास्ता है DHA 4 से अस्करी 14 की तरफ का जहाँ जैन साहब हमें लेके आए हैं बहुत ही कमाल व्यू है यहाँ से नीचे जो DHA 4 का सेक्टर बनने वाला है ये रूट हमने यूज़ किया और ऑलमोस्ट 15 से 18 मिनट हमें लगे हॉस्पिटल से गूगल मैप्स पे भी ये DHA बैरिया व्यू पॉइंट के नाम से लोकेशन है और आप जब भी जाएंगे तो आपको 3 से 4 गाड़ियाँ वहाँ पे व्यू एंजॉय करते हुए नज़र आएंगी अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक
हॉस्पिटल से वापस आके मैं कुछ देर सो गया था, उसके बाद उठा हूँ तो कुछ वजूहात की बिना पे हम उस एंथुजियाज़म से बाहर नहीं जा सके जिस तरह के मैंने प्लान किया था। तो प्लान ये था हमारा कि वाइफ को मैंने साल के पहले डिनर पे लेके जाना था, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन चले अभी चलते हैं, देखते हैं क्या खुला है और क्या मूड है बेगम का। मोस्ट प्रोबेबली स्टेक का ही होगा, लेकिन चले। ये बैरियर ने आवाम को काफी कंफ्यूज किया हुआ है कि ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हैं या फिर ये बैरिया कराची फेज टू की सेलिब्रेशंस हैं, जिसकी वजह से पूरे बैरिया में लाइट्स ही लाइट्स हैं। पर जो भी है काफी मजेदार मजेदार मजेदार। ये वो जगह है जहाँ पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम जा रहे जी फाइनली खाना चट कर लिया और सहर हासिल जरूरी हो गया। तो जी अच्छा खाना खा लिया, मज़ा आया। आज हमने मंगाया था मोरक्कन स्टेक, जो कि ऑलमोस्ट मस्ट है हर दफ़ा के लिए। और जो हमने चीज़ स्टिक्स मंगवाई थी वो मैं कुछ ख़ास रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी भी मैं उस गोल्डन चीज़ स्टिक के इंतज़ार में हूँ, जो कि मज़ा खराब है। ये है जी बैरिया फेज 7 का कोल्ड स्टोन, और ये हमें रेकमेंड किया था भाभी सनिया ने। जब से ये हमें रेकमेंड हुआ था तब से ये मेरी बेगम का मस्ट स्पॉट बन चुका है हर खाने के बाद। तो जी फाइनली एक अप्स एंड डाउन से भरे दिन के इख्तिताम को पहुंचते हैं। अब कल हॉस्पिटल जाएंगे, कल मंडे है, वहाँ पे ट्राई करेंगे कि व्लॉग एडिट कर लें जब तक ओपीडी नहीं स्टार्ट होता और वो अपलोड करें। इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।